नमस्कार, प्रणाम सभी को। स्वागत है आप सबका भोजपुरी देशी ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और कोविड से सेफ होंगे। तो आज का ये वीडियो 3 जूसर के अनबॉक्सिंग का वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये मेरा पहला जूसर है जिसे मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। आप इसके बॉक्स देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये कौन सा पीस है, कितना वेट है इसका, कौन सा मॉडल है इसका, मेड इन चाइना एंड एवरीथिंग। तो वैसे हमारे घर में बच्चे हमारे फ्रूट्स खाना प्रेफर करते हैं, मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ फ्रूट्स खाने में, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसका जूस बना के पी लूँ। और अगर आपको हेल्दी ईटिंग और हेल्दी डाइट पे अपना फोकस करना है तो नो डाउट जूस इज़ अ गुड ऑप्शन। और मैं पैकेट्स के जूस बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, इवन उसका टेस्ट भी बहुत शुगरी सा लगता है। तो अगर आप भी हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इन तीनों में से आपको जो भी जूसर अच्छा लगे आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला जूसर है जो कि ये हैंड प्रेस है। नो डाउट इसमें जूस बहुत अच्छा निकलता है, इसमें ऑरेंज के जूसेस, अनार के जूस इसमें बहुत अच्छा निकलता है, लेकिन इसमें ऑरेंज और अनार के अलावा इसमें कोई भी जूस नहीं निकलेगा। बेसिकली ये है एक सिट्रस जूसर है जो कि सिट्रस जूस निकालने के लिए है, और इसका इसमें स्ट्रेनर दे रखा है कि आप जब जूस निकालें तो जो एक्सेस में जो सीड्स हैं, जो चीज़ें निकालनी है वो निकाल सके। तो देखिए इसमें जूस बहुत अच्छा निकलता है, बिल्कुल ये ब्रेकआउट हो जाता है इसका कवर जो है। बट इस जूसर की एक प्रॉब्लम थी कि ये स्टेबल नहीं था, आप जब जूस निकालते हो तो ये स्लिप होता है, और ये ऊपर का जो पोर्शन था ये स्टील का आप देख रहे हैं, उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल था। और मैंने पहले ही यूज़ के बाद देखा यहाँ पर जो है ये डीके होने लगा था, जिसे इसको कहते हैं जंग लगने लग गया था। तो ये हमने नहीं रखा, इसे हमने रिटर्न कर दिया। और ये हमारा जो दूसरा जूसर है इसको मैंने बहुत R&D के बाद लिया था, और ये भी अमेज़ॉन से है, और मैं सारे जूसर के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये जूसर है कुजीन आर्ट का, और मुझे लगा था ये जूसर बहुत अच्छा है, इसमें सारे अटैचमेंट हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये जूसर बहुत ख़राब था। इसमें इतना कचरा हो रहा था कि आप जो जूस निकालते हैं इसमें पूरा स्क्वीज़ कर दे रहा था, जिसे मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पी पा रहे थे क्योंकि वो उनके गले में अटक रहा था। जैसे जूस, अब हम जूसर निकालते हैं जूसर से तो कुछ पार्ट सेपरेट सेपरेट भी होता है, वो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सारा का सारा जूस ग्लास में आ रहा था। लेकिन ये बहुत पोर्टेबल था, हैंडी था, ये इलेक्ट्रिक से चलने ही वाला था। और लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ सिट्रस के जूस ही निकालता और कोई भी जूस नहीं निकालता। और मैंने पहले ट्राई ऑन किया था बट मुझे इतना ख़राब लगा, मेरा पूरा सिंक चोक हो गया था इसको क्लीन करने में, तो मैंने उसका वीडियो भी नहीं डाला। और ये हमारा थर्ड जूसर है जिसको मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, ये कोल्ड प्रेस जूसर है जिसकी जो मेरी फ्रेंड ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये ले सकते हो। तो इसके साथ में और भी चीज़ें आई थी, उसका भी मैं वीडियो डालूंगी। और ये जूसर है बहुत अच्छा है, हमने यूज़ किया है इसको, और इसमें आप देख सकते हैं सिट्रस के अलावा इसमें आप सारे जूस निकाल सकते हैं, सारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, लाइक सैलरी हो गया, कैरेट्स हो गया। तो इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन है, और इसके रेसिपी बुकलेट्स भी हैं, आप उसमें से देख के आप जूस बना सकते हैं जूसर में से, लाइक ऑरेंज है, पोमेग्रेनेट है, ब्लड ऑरेंजेस हैं, कैरेट्स है, तो आपको जो भी वेजिटेबल पसंद आता है, बीट रूट, एवरीथिंग आप इससे निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। और ये इसका ब्रश है जो कि क्लीनिंग के पर्पस से है, अंदर जो पल्प फंस जाते हैं जो वॉश होने से या स्क्रब से भी क्लीन नहीं होते, तो ये ब्रश बहुत अच्छा हेल्प करता है उसको क्लीनिंग के लिए। और ये कॉर्ड बाइंडर है, और इसमें अटैचमेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा थे, बट ठीक है। ओवरऑल मैंने जो दो प्रीवियस जूसर में एक्सपीरियंस किया था कि वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मुझे मैं आपको सलाह भी नहीं करूँगी कि वो जो दो प्रीवियस जूसर हैं आप उसे लें। और ये जूसर देखिए, ये मुझे अभी इन तीनों में सबसे बेस्ट लगा, वन ऑफ द बेस्ट जूसर लगा। इसका कॉस्ट इन दिनों से ज़्यादा है, बट ठीक है, आप एक बार लेते हैं तो उसमें अच्छा निकलता है। और ये फिर हम ट्राई ऑन कर रहे थे कि इसमें जूसर में से जूस निकलता है कि नहीं, तो ये हमने कैरेट्स और बीट रूट का जूस बनाया था क्योंकि बच्चे हमारे बीट रूट प्रेफर नहीं करते, इवन हालांकि वो जूस भी इसका नहीं पी रहे थे, वो हम दोनों ने ही पिया हस्बैंड वाइफ ने। बट आप इसको ट्राई कीजिए, ये वाला बहुत अच्छा है तीनों के कंपैरेटिवली। आप, मैं इस जूसर को रिकमेंड करूँगी कि आप इसे लें, इसमें सिट्रस के अलावा वेजिटेबल, सैलरी, इवन
कैरेट्स के, बीट रूट्स के, इसमें सारे जूस निकल जाते हैं और ये पार्ट सेपरेट हो जाता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।